आफ्टर अवेकनिंग प्योर मार्ग को चुनने वालों के जीवन में आगे चल के ये परेशानियाँ आएंगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और यह है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। अवेकनिंग असेंशन जर्नी से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है और कुछ ऐसा है जो आप में से कई लोग महसूस भी कर रहे होंगे। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो जिन्होंने आफ्टर अवेकनिंग शुद्ध मार्ग को, प्योर मार्ग को चुना, सात्विक मार्ग को चुना। हम जैसे लोगों की बात कर रही हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो सालों से प्योर मार्ग में हैं, सालों से शुद्ध मार्ग में हैं, उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हमारे जैसे लोगों की जिनकी सडन अवेकनिंग हुई, बड़ी सारी परेशानियाँ आईं, बड़ी सारी चीज़ें हमारे ऊपर हावी हुई और उन सब चीज़ों के, उन परेशानियों के बीच में हमने ये डिसाइड किया कि हम सही रास्ते को चुनेंगे, हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। जो भी हमारी डिज़ायर्स या जो भी नेगेटिविटीज़ हैं जो सरफेस पर आके हमारे ऊपर हावी होके हमें ऑब्सेसिव करके हमसे जो कराना चाह रही हैं, नहीं, हम इन सब चीज़ों को रिलीज़ करेंगे अच्छी प्योर प्रैक्टिसेस में रह के। तो बेसिकली हमने शुद्ध मार्ग को चुना है ना, और इस सात्विक मार्ग पे, शुद्ध मार्ग पे हमने अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाया, तो हमने अच्छे रास्ते पर चलना शुरू किया। वो लोग जो जिन्होंने अच्छे रास्ते को, प्योर मार्ग को चुना है, उनमें भी दो लोग हैं, दो तरीके के लोग हैं। एक वो हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे, अच्छी प्रैक्टिसेस करेंगे, इससे हमारी वाइब्रेशन हाई होगी और जो है बहुत कुछ जो हमारे पास नहीं था वो हमें मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते पर चलने के पीछे भी उनकी कुछ डिज़ायर्स है, कुछ कामनाएँ हैं और उसकी वजह से इन चीज़ों को वो चुन रहे हैं, इस रास्ते को वो चुन रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं कि उनको कोई कुछ नहीं है, उनको बस ये है कि हमें भाई अपने आप को शुद्ध करना है, या ये जो सब गलत सलत चीज़ें हैं, नेगेटिविटी हैं, ऑब्सेशन है, ओवर डिज़ायर्स है, किसी भी तरीके की एक्स वाई जेड गलत चीज़ है, मेरे को इसको रिलीज़ करना है और जो है बस मुझे अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ना है पीसफुल तरीके से। तो कुछ ऐसे भी हैं। अब सही रास्ते को तो चुन लिया और अच्छी चीज़ें भी हमने, सही प्रैक्टिसेस को भी हमने करना शुरू कर दिया और बहुत सारी गलत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया, हट गए उन सब चीज़ों से। तो ये सही मार्ग जो है, या सही मार्ग पर चलना जो है, यहाँ सिर्फ चुनने की बात नहीं है कि हमने सही मार्ग को चुन लिया, सही प्रैक्टिसेस को चुन लिया। ये अपने आप में एक बहुत, मतलब, तपस्या है। अब ये एक अलग सी ही कुछ एक जर्नी है। सिर्फ चुनने तक बात नहीं है कि हमें सही और गलत में जो है चुनना था और हमने सही को चुना, और बस अब इतना नहीं है कि अब हम सही को जब हमने चुन लिया तो हम कुछ सही प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो इतना ही नहीं, अभी अपने आप में ये एक अलग यात्रा है। और अब इस यात्रा में भी जो है ये जो तपस्या रहेगी, सही को चुन के, सही चीज़ों में रह के ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं, अब इसमें भी बहुत सारी लर्निंग्स हैं, बहुत कुछ परेशानियाँ हैं जो कि व्यक्ति एक्सपीरियंस करेगा, फेस करेगा, और कई लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने जो है लेके आई हूँ, शेयर कर रही हूँ। अब हो क्या रहा है या होता क्या है कि जब हम प्योर या पॉजिटिव मार्ग को चुनते हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो उन चीज़ों में रहते 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 एक तो हम अपने आप से, स्वयं से बड़ा जुड़ जाते हैं और अच्छा बुरा बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें जो है समझ आने लगती हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ये जो अच्छे बुरे का जो डिफरेंस है, ये बड़ा अच्छा समझ आने लगता है। क्या सही है और क्या गलत, ये बड़ा अच्छे तरीके से जो है समझ आ जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जिन्होंने इस प्योर सात्विक मार्ग को, शुद्ध मार्ग को चुना है और धीरे धीरे वो खुद से जुड़ने भी लगे हैं, अपने अंदर के उनको जो गलत चीज़ें हैं वो भी दिखने लगी हैं और सही गलत भी बड़े अच्छे तरीके से समझ आने लगा है, अब जो थोड़े फ्रेशर टाइप के हैं, जो अभी जो इस रास्ते पर आए हैं, जो इस अच्छे मार्ग की तरफ आए हैं, इस यात्रा की तरफ आए हैं, प्योर जर्नी की तरफ आए हैं, तो शुरुआत में जो लोग आए हैं उन्हें चीज़ें तो बड़ी सारी समझ आने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर ये लोग जिनको बड़ा सही गलत बड़े अच्छे तरीके से समझ आने लगा है, अगर इनसे गलती से भी कहीं पर कुछ गलती हो जाए,
गलती से भी कहीं अगर इनसे कुछ गलती होने लगे या गलती हो जाए, मन वचन कर्म किसी भी तरीके से, मन में भी अगर कुछ गलत चल गया या गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया या कुछ गलत कर दिया, तो अगर कुछ हो गया गलती से भी, कुछ गलत हो रहा है, अभी नए ही हैं इस मार्ग में, इस शुद्ध यात्रा में अभी वो नए ही हैं, पर समझ काफ़ी कुछ आ गया है, काफ़ी बेसिक उनको क्लियर हो गए हैं और अपने अंदर की भी गलत चीज़ें उन्हें दिखती हैं, बाहर भी जो गलत है वो उन्हें समझ आता है, सही गलत की समझ बड़ी अच्छी है। लेकिन अब क्योंकि वो नए हैं, अभी इतने पुराने हुए नहीं हैं इस मार्ग में, तो अगर गलती से कोई गलती उनसे हो जाती है, गलत कर दिया किसी के साथ, किसी को डांट दिया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी के बारे में बुरा सोच लिया, तो जो है बस फिर ये होता है कि इनके माइंड में जो है ना, इनके मन में जो है, यही बातें घूमती रहती हैं हर वक्त, यही बातें चलती रहती हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत है, ये मैंने क्या कर दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मेरे कर्म खराब हो रहे हैं, मेरा कर्मा बिगड़ रहा है, ये मैंने क्या कर दिया, तो यही सोच सोच के जो है इनका दिमाग जो है वो दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है और बस माइंड में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और ये सब चीज़ें इकट्ठी होती रहती है और ये चीज़ें इनको गिल्ट में लेके जाती हैं, जो कि बहुत नीचे की एनर्जी है। आप एनर्जी चार्ट को आप कई लोग फॉलो करते हो डॉक्टर डेविड हॉकिंस के, तो ये व्यक्ति जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी में रह रहा है, चल रहा है, चल रही है, थोड़ी सी भी गलती अगर हो जाए किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ बस इनको जो है बुरा फील कराती रहती है, बुरा फील कराती रहती है, और उस चीज़ को सोच सोच के या तो ये लोग घबराते रहते हैं कि इनका कर्मा ख़राब हो गया, एंजाइटी में जाते हैं, भरते रहती है वो घबराहट अंदर, या तो फिर गिल्ट में जाते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट इकट्ठी हो जाती है। तो ये चीज़ जो है मैं देख रही हूँ कई लोगों में, ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि इस तरीके की फीलिंग्स में, इस तरीके की गिल्ट में, इस तरीके की परेशानी में कई वो लोग हैं जिन्होंने प्योर मार्ग को चुना, जिन्होंने शुद्ध रास्ते को चुना। थोड़ा सा भी गलत कर देने पर इनके दिमाग में ये गुणा गणित चलने लगती है कि ये कर्मा ऐसे ख़राब हो गया है, मेरा कर्मा इस तरीके से बिगड़ गया है, मुझे भी जो है ये सब लौट के आएगा, क्या होगा, तो कई तरीके की बातें जो है इनके माइंड के अंदर जो है चलती रहती है और यही चीज़ें इनको ओवर थिंकिंग देती है, स्ट्रेस देती है, डिप्रेस कर देती है, गिल्ट की फीलिंग देती है। कई बार इनके माइंड में जो है, अगर मानो कुछ ऐसी चाहत कुछ उठ गई, इन्हें पता है कि इस तरीके का सोचना, इस तरीके की इच्छा रखना, डिज़ायर रखना गलत है, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें उठ रही हैं और उस चीज़ों के को लेके ये विचार कर रहे हैं अपने मन के अंदर, तो इनके मन के अंदर जो ये सब चल रहा है वही चीज़ इनको इतना अपने बारे में गंदा फील कराने लगती है कि इनका ही बारी कई लोगों को अपने आप से बड़ी घृणा होने लगती है। उनके अंदर ही एक अजीब सा द्वंद्व चलने लगता है खुद को लेके कि वो इंसान किस तरीके के इंसान हैं, वो है क्या। तो मैंने ये देखा कि ये जो प्योर मार्ग को चुनते हैं लोग शुरुआत में और अच्छी प्रैक्टिसेस में रह के, चाहे वो पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छे गुरुओं को सुन रहे हैं, ज्ञान में हैं, जो भी चीज़ों में वो जुड़ गए हैं, जो भी अच्छी चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है और इस मार्ग को उन्होंने चुन लिया है कि इसी मार्ग पे जो है हमें चलना है, अभी चुन तो लिया है और चलना भी है, लेकिन इस मार्ग की भी अपनी कठिनाइयाँ हैं, अपनी परेशानियाँ हैं। और जो पहली चीज़ निकल के आई है, वो लोग जो पिछले कई सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी अवेकनिंग के बाद बड़ी चीज़ें उनके सरफेस पर आई, लेकिन उन्होंने सही चीज़ों को चुना, उन्होंने गलत चीज़ों को नहीं चुना, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, समय लग जाएगा लग जाएगा, और पर हमको सही रास्ता ही चुनना है। और सही रास्ते को चुनने में उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ों को अपने जीवन का जब हिस्सा बना लिया और उन चीज़ों में रहते रहते जब उन्हें सही गलत बड़ा समझ आने लगा कि कौन सी चीज़ें गलत हैं, कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन से विचार गलत हैं, कौन से विचार अच्छे हैं, तो जब इन चीज़ों की समझ बड़ी इकट्ठी कर ली इन लोगों ने, तो जो है अब ये जो चुनौती है पहली, ये जो परेशानी है, ये मैं देख रही हूँ
ऐसी परेशानियों में उलझे हुए प्योर मार्ग के लोग कई बारी काउंसलिंग सेशन लेने आते हैं कि मैम हम उलझ गए हैं, हम उलझ गए हैं, हमसे थोड़ी सी भी कोई गलती हो रही है तो हमको बहुत बुरा लग रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। या कई लोगों के मन में अगर कोई इच्छा उठ गई और कुछ सोच लिया उन्होंने जो नहीं सोचना चाहिए, चल गया उनके माइंड के अंदर, तो वो चीज़ उनको बहुत गिल्ट फीलिंग करा रही है। तो अपने ही अंदर वो जो है उलझ रहे हैं, अपने ही अंदर उनके द्वंद्व चल रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि जो हम लोग प्योर मार्ग को चुन रहे हैं तो बात सिर्फ चुनने तक नहीं है, इस मार्ग पे जो आगे बढ़ना है ना, इस मार्ग की भी अपनी अलग कई सारी परेशानियां चुनौतियां हैं और जो एक एक करके सामने आएंगी। अभी पहले ये चीज़ निकल के आ रही है जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये निकल के आई है कई लोगों की कि वो उलझ रहे हैं, वो स्ट्रेस हो रहे हैं, उनको लग रहा है उनका कर्मा ख़राब हो रहा है, गलती से भी कोई गलती हो रही है, किसी को डांट दिया, किसी को कुछ बोल दिया, उनको उनको दिल दुख रहा है, उनको लग रहा है कि अरे मैंने दूसरे का दिल दुखा दिया, मुझे भी ये वापस मिलेगा। तो बहुत उलझ गए हैं इन सब चीज़ों में वो। तो अगर आप में से भी ऐसा कोई है जो ऐसा उलझ रहा है या वो स्ट्रेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है इन सब चीज़ों की वजह से, या गिल्ट में जा रहा है जा रही है, आप सिर्फ यूनिवर्स को बोलो कि यूनिवर्स मैं इस जगह पर अटक गई हूँ या अटक गया हूँ, ये क्या है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रास्ता दें, मुझे सही गाइड करने वाला पर्सन दें, मुझे सोल्यूशन दें, मेरे माइंड में ये तो सब कुछ चल रहा है, इसका मुझे जवाब दें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो ये पहली डेफिनेटली इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की परेशानियाँ निकल के आएंगी, बट आप ज़रा उलझे रहने की बजाय या परेशान होने की बजाय, ओवर थिंकिंग करने की बजाय, अपना ही दुश्मन बन जाने की बजाय कि अपने आप को ही घृणा से देख रहे हो या अपने आप पे ही शर्म कर रहे हो या अपने आप को ही गिल्ट में ले जा रहे हो या अपने आप को ही डिप्रेस कर रहे हो, ये करने की बजाय सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना करो कि मैं यहाँ फंस गई हूँ इस जगह पर या फंस गया हूँ, मुझे आगे का रास्ता दे, मुझे इस उलझन से बाहर निकालें। आप देखना जैसे ही आप अपनी उलझन को देख लोगे ना कि मैं उलझ गई हूँ, हूँ मैं प्योर मार्ग में लेकिन मेरे ही सही गलत की समझ अब मुझे ही उलझा रही है, और उस उलझन को भी अब आपने देख लिया है, आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हो, और अब उलझे रहने की बजाय जब आप यूनिवर्स से, परमात्मा से मदद मांगोगे कि मुझे इस उलझन से बाहर निकालो, मुझे रास्ता दो, तो परमात्मा यूनिवर्स देखना आपको कुछ ही दिनों में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपकी तरफ ऐसा पहुंचा देंगे, ऐसी गाइडेंस, ज्ञान पहुंचा देंगे, ऐसी नॉलेज, ऐसा पर्सन पहुंचा देंगे जो आपको इस बात का उत्तर देगा। इस ये जो आप जिस जगह पर, ये जो माइंड के अंदर बहुत कुछ चल रहा है ना, ये सब उलझने, ये सब द्वंद, इससे बाहर निकलने का रास्ता अपने आप परमात्मा देंगे, लेकिन देंगे उन्हें, आगे का रास्ता उन्हें मिलेगा, इसके आगे का रास्ता उन्हें मिलेगा जो अपने अंदर उलझे हुए हैं, लेकिन अब उन्होंने ये भी देखना शुरू कर दिया है कि मैं उलझ गई हूँ या मैं उलझ गया हूँ। मेरे ही द्वारा इकट्ठा किया हुआ ज्ञान, मेरी ही अच्छे बुरे की समझ, सही गलत की समझ, अब मुझे ही अंदर जो है वो बड़ी बुरी तरीके से उलझा रही है, मुझे परेशान कर रही है। तो जो इस चीज़ को भी देख लेगा ना अपने अंदर, जो इस चीज़ को भी देख लेगी अपने अंदर और फिर वो ऊपर वाले से प्रार्थना करेगी कि बस अब मैं जहाँ उलझ गई हूँ ना, अब आप इससे मुझे बाहर निकालें, इस उलझन से मुझे बाहर निकालें और मुझे आगे की समझ दें, अब मुझे इससे आगे बढ़ना है, क्या है इसके आगे की समझ, क्या है जो मुझे इस तरीके के विचारों से, इस तरीके के द्वंद, इस तरीके की परेशानी से मुझे मुक्त कर सकता है, मुझे ऐसी समझ, ऐसा पर्सन, ऐसा ज्ञान, ऐसा सत्य मुझ तक पहुँचाएं। तो जिसने ये भी देख लिया और फिर उसने यूनिवर्स तक वो चीज़ पहुंचा दी कि मैंने देख लिया कि मैं अब कहाँ फंस रहा हूँ या कहाँ फंस रही हूँ, डेफिनेटली उसकी तरफ यूनिवर्स जो है वो पहुंचाएंगे, इसका भी आंसर, उत्तर, इसकी भी समझ और सत्य उस तक पहुंचाएंगे, और फिर वो पर्सन भी जो है आगे की तरफ बढ़ेगा अपनी यात्रा में। तो पहले सही गलत की समझ नहीं थी, फिर सही गलत की समझ होने लगी और फिर वही सही गलत जो है अपने अंदर व्यक्ति को उलझा रहा है। तो अब इससे आगे का क्या है, इस सही और गलत के आगे का क्या है, इस बात को परमात्मा यूनिवर्स ही समझाएंगे, लेकिन उनको समझाएंगे जिन्हें बड़ी सही गलत की समझ हो गई थी लेकिन आज वो अपने ही सही गलत में उलझ गए हैं, लेकिन उलझने के बाद
उलझने के बाद अब जो है वो अपनी उलझन को देख भी रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि मेरा ही ज्ञान, मेरी ही समझ अब मुझे जो है उलझा रही है, मेरे दुख का कारण बन रही है, और मैं ऐसा उलझा नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ। परमात्मा इसके आगे का उत्तर जो है मुझे दे, इस सही गलत से आगे की बारे में मुझे बताएं कि क्या है इसके आगे। तो जो उलझे रहने की बजाय अपने अंदर इस उलझन को ही देख लेगा, वही आगे बढ़ पाएगा इस जर्नी में। उसी को यूनिवर्स जो है फिर आगे का सत्य समझाएंगे। इस सही गलत से आगे की परिभाषा जो है, समझ जो है उसे देंगे, क्योंकि पहले समझ नहीं थी, फिर समझ आ गई, और फिर वही समझ जो है उलझा रही है। तो इसके आगे की क्या समझ है वो परमात्मा ही देंगे, लेकिन उसको पाने के लिए, उस सही समझ को, उस सत्य को जानने के लिए पहले देखना होगा, अपने आप को ऑब्जर्व करना होगा। जिसने खुद को देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, वही आगे बढ़ पाएगा, वही आगे के सत्य को जो है समझ पाएगा, और इस सही गलत से आगे क्या है उस बात को अंडरस्टैंड कर पाएगा। उसके न्यू डोर्स ओपन होंगे और असेंट होगा वो पर्सन। सो सिर्फ ये जो प्योर मार्ग को जिन लोगों ने चुना है या प्योर प्रैक्टिसेस को जो लोग कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ तक नहीं है, अभी इसके आगे की भी एक बड़ी लंबी यात्रा है, और इस यात्रा में भी कई बार कई चीज़ें आपको उलझा सकती हैं। ये पहली उलझन जो है कई लोगों के थ्रू मैंने देखी, ऑब्ज़र्व करी कि इस तरीके की चीज़ों में वो उलझे हुए हैं जिन्होंने अच्छे मार्ग को, शुद्ध मार्ग को चुना। तो वही मैं आपके साथ इस वीडियो में जो है शेयर कर रही हूँ। सो दैट्स इट दोस्तों, बस यही था मेरा आज का वीडियो, एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।